अल्लाह रहमान रहीम। आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फार्मूले जो ना याद करेंगे। अब इसमें आपके पास है मीन, सबसे पहले आ जाता है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से और इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स बाय कैपिटल एन। ये अनग्रुप डेटा के लिए होता है। फॉर ऑन ग्रुप डेटा के लिए, और जो ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है वो होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड समीशन एफ। ये फॉर ग्रुप डेटा के लिए। इसी तरह से फिर पहले मीन मीन वाले देख लें। हार्मोनिक मीन इसका अन ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला आता है एन डिवाइड समीशन वन बाई एक्स। ये अन ग्रुप डेटा के लिए है। और ये ग्रुप डेटा के लिए है। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स बाई एन, ये अनग्रुप डेटा के लिए है। एंटी लॉग इसके साथ एक्स आ जाएगा, ये ग्रुप डेटा के लिए। इसी तरह से मीडियन मॉड के फॉर्मूले आ जाते हैं। मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए एन प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी एफ। इसी तरह से मॉड का ग्रुप डेटा के लिए एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई एच एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने पहले शायद ना किया हो कभी। इसी फार्मूले को ये ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है कि एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई एच। देखो एफ एम और एफ एम, टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। इसमें भी वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास आंसर सेम ही आ जाएगा, जिस तरह से नॉर्मली मीन निकाला जाता है। मीन भी हो गया, मीडियम भी हो गया, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया, हार्मोनिक मीन भी हो गया। तो कल इंशाल्लाह मेजर ऑफ लोकेशन की करेंगे।